हेलो वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन तक कवर कर लिया था। इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन को देखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम ऑक्टल के सिंबल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे थे तो हमें 3 बिट की जरूरत पड़ रही थी, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में हमें 4 बिट की जरूरत पड़ेगी हर एक सिंबल को कन्वर्ट करने के लिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने वहाँ पर मैंने आपको बताया था, क्योंकि 3 बिट में टोटल जो अरेंजमेंट होते हैं वो 8 होते हैं और ऑक्टल में 8 सिंबल होते थे, तो इसलिए 3 बिट का यूज़ करते थे। यहाँ पर 4 बिट का यूज़ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 4 बिट के टोटल अरेंजमेंट अगर आप निकालोगे तो 16 होते हैं, और यहाँ पर हेक्साडेसिमल के जो टोटल सिंबल हैं वो कितने होते हैं? 16 होते हैं। तो एक बार ज़रा टेबल देख लो, बड़े ध्यान से देखना, साथ ही साथ आपको मैं सिखा दूंगा किस तरीके से टेबल बनाना है, तो रटना नहीं है। तो किताब में जैसा टेबल दे रखा है उसी टेबल को हम यहाँ पर बनाएंगे और समझ करके बनाएंगे किस तरीके से बनाना है, ठीक है। तो वो ट्रिक को बड़े ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पर। तो पहले मैं टेबल बनाना आपको सिखाता हूँ, फिर उसके क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक तरफ हेक्साडेसिमल लिख देते हैं, हेक्साडेसिमल, और इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो बाइनरी में कन्वर्जन होगा तो उसको साइड में लिखेंगे, राइट साइड में। यहाँ पर मैं बाइनरी में लिखूंगा, हर हेक्साडेसिमल को बाइनरी में 4 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे हर सिंबल को। अभी देखते कैसे करेंगे। तो यहाँ पर अब पहले ये बता दो मुझे कि टोटल सिंबल कितने होते हैं हेक्साडेसिमल में। हेक्सा का मतलब होता है 6, डेसिमल का मतलब 10, तो 6 + 10 कितना होता है? 16, ठीक है, ये याद रखना। तो 16 सिंबल होते हैं हेक्साडेसिमल में। तो पहला सिंबल क्या होता है? 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 के बाद 10 नहीं आता, 10 की जगह हम लिखते हैं A, ठीक है। तो 10 की जगह हो गया A, 11 की जगह कौन आएगा फिर? 11 की जगह आएगा B, 12 की जगह C, फिर 13 की जगह D, 14 की जगह, 14 की जगह E, 15 की जगह F, हो गए, ठीक है। 15 पे 16 सिंबल पूरे हो गए, कैसे? क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करा था, तो 0 से 15 मतलब टोटल 16 हैं। तो और यहाँ याद रखना, 0 से 9 तक तो ऐसे ही आते हैं, उसके बाद जो बाकी के होते हैं उनको हम ए बी सी डी करके लिखते हैं, ठीक है। तो एफ तक जाएंगे, तो कुल मिलाकर टोटल ये 16 सिंबल हो गए। अब इनको मुझे बाइनरी में लिखना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आप सीधा इस वीडियो में आए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पहले आप ऑक्टल के कन्वर्जन वाली वीडियो देख लें, वहाँ पर मैंने बता रखा है कि हम टेबल किस तरीके से बना रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसको देखने के बाद आप फिर इस वीडियो में आ जाना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं इसको देखना आप कि किस तरीके से हम हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो पहला सिंबल है हेक्साडेसिमल का 0, बाइनरी में जब इसको लिखूंगा तो इसके लिए मुझे 4 बिट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब तरीका देखो यहाँ पर क्या है, जो हमने ऑक्टल में यूज़ करा था उसी तरीके को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। टोटल सिंबल कितने हैं? 16, टोटल सिंबल है 16, 16 का आधा कितना होता है? 8, तो पहले हम 80 लिखेंगे, फिर 81, ठीक है ना, जैसा हमने वहाँ पर करा था ऑक्टल में कितना 8 थे तो उसका आधा 4 करा था, यहाँ पर टोटल सिंबल 16 है तो उसका आधा 8 करेंगे, तो 8 आधा होता है 16 का, तो इसलिए पहले 80 आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 80, फिर 81, 1 2 3 4 5 6 7 और नीचे एफ का 8 हो गए। अब 8 का आधा कितना होता है? 4, तो 4 0 आएंगे पहले, 1 2 3 4, फिर 4 1 ऑल्टरनेट आता है, ठीक है, 4 0 फिर 4 1 इस तरीके से, और हमेशा शुरू होगा 0 से, जैसे यहाँ 80 आए, फिर 81, फिर उनका आधा कर लो 4 हो गए, 4 0 4 1 4 0 4 1, अब कितना आएगा? 2 0, तो 2 0 2 1 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2 1, अब 1 0 1 1, ठीक है ना, तो मेरे को लगता नहीं है टफ है कहीं से। तो इसको बनाना कितना टाइम लगेगा आपको? 10 सेकंड लगेंगे मुश्किल से, अभी तो मैं आपको सिखा रहा हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना सीधा बनाने को बैठे तो फटाफट 10 सेकंड में हो जाएगा ये। तो जो भी क्वेश्चन आएगा पेपर में पहले क्या करो, साइड में टेबल रफ बना लो पेंसिल से, और उसके बाद जो जो वैल्यू दी है फिर फटाफट उनको कन्वर्ट करने में बैठो, ठीक है। देखो तरीका एक बार फिर से देख लो, टोटल कितने सिंबल हैं? 16, और याद रखना गलती मत करना यहाँ पर, 9 के बाद ए बी सी डी ई एफ तक बस, ठीक है। तो अब जब इनको कन्वर्ट करा तो मैंने करा क्या, टेबल किस तरीके से बनाया, टोटल सिंबल 16 थे तो उनका आधा करा 8, 8 है आधा, तो पहले 80 लिखो, फिर 81, 80 आए 81, बस अब इसके बाद कुछ नहीं करना। अब इसके बाद अब 8 थे तो 4 कर लो, 4 0 4 1 4 0 4 1, फिर उसके बाद आधा कर लो, 2 0 2 1 2 0 2 1, उसके बाद और आधा कर लो, 1 0 1 1 1 0 1 1, बस हो गया खत्म, ठीक है। तो इस तरीके से बन गया आपका टेबल। तो अब यहाँ पर जैसे 0 है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो क्या है, ये 40, इस तरीके से 7 की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू बाइनरी में अगर हम देखें तो 0111 ये है, बात समझ में आ रही ना, ए की क्या होगी, ए की होगी 1010, तो ये है। अब जब हमें कोई क्वेश्चन कन्वर्ट करने को दिया रहेगा तो हम इस टेबल की मदद से उसे कन्वर्ट करेंगे। तो इस टेबल को कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन देखते हैं बारी बारी किस तरीके से सॉल्व करेंगे, और आपको प्रैक्टिस के लिए भी मैं 15 क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो जरा इसको नोट कर लो, फिर देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो ये आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैंने साइड में टेबल बना रखा है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम वैल्यू यहाँ से देख लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप भी अपने पेपर में टेबल बनाना।
तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये रहा, यहाँ पर ये रहा बाइनरी में दे रखा हमें क्वेश्चन, हमें कन्वर्ट करना है इसको हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को नीचे कॉपी कर लेंगे, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ 1101010011, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया। अब जैसा हमने ऑक्टल में करा था, राइट साइड से हम ग्रुप बनाते हुए आए थे, ये इंटीजर है ना बाइनरी इंटीजर, तो वैसे ही हमने यहाँ हेक्साडेसिमल में भी करना है, राइट साइड से इधर को ग्रुप बनाते हुए आएंगे, लेकिन अंतर इतना है ऑक्टल में ग्रुप हम तीन तीन का बना रहे थे, यहाँ हम ग्रुप चार का बनाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने बिट यहाँ पर चार बिट यूज़ करी है, तो चार का ग्रुप बनाऊंगा, तो एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया और एक ग्रुप ये हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये 1011 वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करती है हेक्साडेसिमल में। तो भैया 1011 देखने के लिए अब आएंगे टेबल पे, तो ये रहा 1011, ये है बी, तो ये हो गया बी, ठीक है। 0100, तो 0100 पे आते हैं, तो 0100 है 4, तो ये है 4, और 1101 है डी, तो जो मेरा आंसर बना वो बना डी 4B बेस 16, क्योंकि ये बाइनरी को हमने किस में कन्वर्ट करा है, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, बेस 16, ये याद रखना, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ रही ना बात, जैसा ऑक्टल है वैसे ही ये है। तो अगर ऑक्टल वाला नहीं देखा तो फिर भी कह रहा हूँ आई बटन पर लगा रखी मैंने, देख लेना ऑक्टल वाली वीडियो को पहले, तो इस पर आना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या होगा, तो ये रहा अगला क्वेश्चन। अब सबसे पहला स्टेप क्या है, इसको नीचे कॉपी कर लो, तो नीचे कॉपी करते हैं 1010111010। अब हमें क्या करना है, ग्रुप बनाने, कितने के, चार चार के, तो ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप ये हो गया, एक ग्रुप ये हो गया। अब एक ग्रुप यहाँ बनाना था, लेकिन कमी पड़ रही है दो की, तो दो डिजिट की कमी पड़ रही है, तो उसको हम कैसे पूरा करेंगे, एक्स्ट्रा जीरो लगा के। तो कितने जीरो लगाऊँ यहाँ पर, दो जीरो, ठीक है ना, दो लगाऊंगा तो चार हो जाएगा ना, चार का ग्रुप बन जाएगा, तो दो जीरो लगा दिए, तो बन गया ये हमारा एक ग्रुप, ठीक है। अब हम चेक करेंगे टेबल में कि ये क्या है, आसान है ना, ठीक है। तो अब देखते हैं टेबल में इसकी वैल्यू क्या होगी, तो 1010 है ए, तो ये हो गया ए। 1011 क्या है, तो 1011 है बी, ये है बी, और 0010, तो 0010 क्या है, 0010 ये है 2010, हाँ ये है 2, ठीक है। तो आंसर मेरा आया 2BA, बेस कितना होगा हेक्साडेसिमल है 16, ठीक है। तो ये बात याद रखना, इस तरीके से हम लिखेंगे अपना आंसर, ठीक है ना। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो हेक्साडेसिमल में वैल्यू होगी वो क्या होगी, 2BA बेस 16, ठीक है। तो ये तो था हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको हमने देख लिया किस तरीके से सॉल्व होगा। अब मैं आपको पांच क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दूंगा, उनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, और मुझे कमेंट करके आंसर बता भी देना जब उनको सॉल्व कर लोगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, पांच क्वेश्चन, उनको आप नोट करना। तो ये रहे पांच क्वेश्चन, आप इनको नोट कर लो, इनकी ईमानदारी से प्रैक्टिस करना, मुझे कमेंट में फिर इनके आप आंसर बताना, ठीक है। तो ये पांच क्वेश्चन है, नोट कर लो। अब अगला हम देखेंगे बाइनरी, अभी हमने देखा था बाइनरी इंटीजर को कैसे कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, अब अगला देखेंगे बाइनरी फ्रैक्शन को कैसे कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, 0.0111 1011 2, इस बाइनरी नंबर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या होता है, इनको कॉपी कर लो नीचे, तो लिखा 0. फिर क्या है 0111, फिर है 1011। अब जब भी फ्रैक्शन नंबर आता है, पॉइंट दिख जाएगा तो समझ जाना फ्रैक्शन नंबर है, साथ में लेफ्ट साइड में पॉइंट से पहले इंटीजर वाला पार्ट जीरो होना चाहिए, तो ये बाइनरी फ्रैक्शन है। अभी इसे मुझे कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो जब भी पॉइंट वाले नंबर को हम कन्वर्ट करते हैं, तो हम जब ग्रुप बनाते हैं तो लेफ्ट से राइट की तरफ बनाते हैं, ठीक है ना। तो चार चार का ग्रुप बनाऊंगा इधर से इधर की तरफ, ठीक है, सेम ऐसे ही हमने ऑक्टल में भी करा था। तो चार का ग्रुप बनाऊंगा, तो 1 2 3 4 ये हो गए, और 1 2 3 4 ये हो गए। अब इसके बाद इसका कॉरस्पॉन्डिंग जो भी नंबर होगा वो हम देखेंगे टेबल में, फिर इसको लिखेंगे। तो 0111 क्या होता है, 0111 ये है 7, तो ये हो गया 7, और 1011 है बी, तो ये हो गया बी, और ये 0. ये तो ऐसे ही आ जाता है, तो नंबर है मेरा 0.7B, तो 0.7B बेस 16, ये मत लगाना भूलना, ठीक है। तो बेस 16 ये डिनोट करता है कि ये हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल में ये है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, उसके बाद फिर मैं आपको पांच क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन, 0.01001101 बाइनरी नंबर है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम, इसको कॉपी कर लो, ठीक है, इसमें तो सब माहिर होते हैं, तो कर लेते हैं कॉपी। 0.01001111 अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें क्या करना है, ग्रुप बनाने, कितने का, चार का, कैसे पता, क्योंकि हेक्साडेसिमल नंबर है। ग्रुप बनाएंगे तो इधर से शुरू करेंगे, इधर को जाएंगे, ठीक है। तो ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप बनाया हमने, ये हो गए चार नंबर, फिर अगला ग्रुप बनाया, ये हो गया ये। अब आखिरी में एक डिजिट बच रहा है, तो कितने हमें और चाहिए कि चार का ग्रुप बन जाए,
तीन और चाहिए, तो तीन की कमी को किससे पूरा करेंगे, जीरो से। तो तीन जीरो लगा दिए, यहाँ पर बन गया चार का ग्रुप। ठीक है, अब क्या करना है, अब सीधा टेबल पे आओ और इनको इनकी वैल्यू को देख के लिखो। तो 0100, तो 0100 की वैल्यू होगी, 0100 की वैल्यू है 4, तो ये हुआ 4। फिर 1110 है ई, ये है ई, और 1000 ये है 8। ठीक है, 10008। ठीक है, अब यहाँ पर है 0. ये तो ऐसे ही आ जाएगा, तो आ गया 0. तो आंसर क्या बना हमारा, 0.4E8 और बेस 16। ठीक है, तो बेस लगाना मत भूलना, तो 0.4E8 बेस 16 ये हमारा फाइनल आंसर बना है। इस बाइनरी नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में ये है। तो ये तो हो गए हमारे दो क्वेश्चन। अब मैं आपको दूंगा 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, उनको आप सॉल्व करना, मुझे कमेंट में उनके आंसर बताना। तो ये रहे 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन बाइनरी फ्रैक्शन टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन वाले, कॉपी कर लो आप इनको। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बाइनरी मिक्स्ड नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में। तो ये रहा पहला क्वेश्चन बाइनरी मिक्स्ड नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने वाले का। पॉइंट से पहले भी नंबर है, पॉइंट के बाद भी नंबर है, तो ऐसा नंबर आपको दिख जाए तो समझ जाने ये मिक्स्ड नंबर है। इस वाले पार्ट को, पॉइंट से पहले वाले को बोलते हैं इंटीजर पार्ट, पॉइंट के बाद वाले को बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंटीजर वाले पार्ट में ग्रुप बनाने का तरीका वही है जैसे हम बाइनरी इंटीजर वाले में कर रहे थे, फ्रैक्शन वाले में ग्रुप बनाने का तरीका वही है जैसे हम फ्रैक्शन वाले में कर रहे थे। तो ये एक तरीके से इन दोनों का मिक्स हो गया, मिक्सअप हो गया। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लो। सबसे पहला काम तो क्या है जो हम करते आ रहे हैं, कॉपी करना क्वेश्चन को। तो यहाँ कॉपी करता हूँ क्वेश्चन, 1010, फिर क्या है 1111, फिर है 0.010111111, फिर है 00। अब इसकी बात करूँ पॉइंट से पहले वाले की, तो ये है इंटीजर पार्ट। इंटीजर पार्ट पहले इसका ग्रुपिंग करेंगे हम, ठीक है ना, इंटीजर पार्ट वाले में। तो इंटीजर वाले में हम कैसे ग्रुप बना रहे थे, राइट से लेफ्ट की तरफ, ठीक है ना। तो इसमें भी राइट से लेफ्ट की तरफ बनाएंगे ग्रुप। तो राइट इसका जो सबसे राइट है वो कहाँ है, यहीं तक है, ठीक है ना, इंटीजर पार्ट यहीं पर ख़त्म हो रहा है पॉइंट से पहले। तो इसका सबसे राइट ये है, तो यहाँ से ग्रुप बनाऊंगा चार का, तो 1 2 3 4 ये हो गया एक ग्रुप, ये बनाऊंगा 1 2 3 4 ये हो गया। पॉइंट के बाद वाला फ्रैक्शन पार्ट है, तो उसका ग्रुप कहाँ से बना रहे थे, लेफ्ट से राइट की तरफ, तो लेफ्ट से राइट की तरफ ग्रुप बनाऊंगा चार चार का। ठीक है, तो 1 2 3 4 ये हो गया ग्रुप, 1 2 3 4 ये हो गया ग्रुप। अब क्या करना है, आसान काम है, टेबल में जाओ देखो कि इनकी वैल्यू क्या होती है। तो 1010 क्या होता है, 1010 होता है ए, तो ये हो गया ए। फिर 1110, तो भैया 1110 कितना है, ई पॉइंट। फिर है 0101, 0101 है 5, तो ये हो गया 5। और उसके बाद है 1100, तो 1100 है सी, ठीक है, तो इसकी वैल्यू है सी। तो ये हमारा आंसर बना ए ई पॉइंट 5 सी बेस 16। बेस क्या बताते हैं, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। ठीक है, तो ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, उसको मेरे साथ साथ सॉल्व करना। ठीक है, साथ साथ करा करो सॉल्व, ठीक है, समझ में आया ना किस तरीके से हो रहा है, मुझसे पढ़ोगे तो सब आसानी लगेगा। ठीक है, तो ये था पहले वाले का आंसर, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है वो किस तरीके से करेंगे। तो मेरे साथ सॉल्व करना, कॉपी पेन निकाल लो, अगर नहीं निकाला है निकाला है तो बहुत अच्छी बात है, और साथ साथ सॉल्व करना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, 1110111.0101112, इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो सबसे पहला काम कॉपी कर लेते हैं, तो लिखा 1111111, फिर है 0110111, फिर उसके बाद है 1111111, फिर 0.010111, एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि इसमें 1 बहुत आ रहे हैं। तो 1110, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 0.010111, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ग्रुपिंग करेंगे, पॉइंट से पहले वाले इंटीजर पार्ट की चार चार का ग्रुप बनाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। तो बनाते ग्रुप, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये हो गया। यहाँ पर 2 की कमी हो रही है, ठीक है, और जगह की भी कमी हो रही है, तो जगह के तो छोड़ो, 2 की कमी हो रही है वो किससे भरेंगे, वो हम भरेंगे 0 से। ठीक है, तो 0 से 2 की कमी पूरी करेंगे, तो कितने 0 लगाऊं मैं यहाँ पर, 2 0, तो यहाँ पर छोटे में लगा देता हूँ। ठीक है, 2 0 यहाँ पर आएंगे, 1 0 1 0 ये 0 और ये, ठीक है, तो एक बन गया ये चार का ग्रुप, तो ये हो गया। अब इधर आते हैं, तो पॉइंट के बाद आएंगे, तो यहाँ से इधर की तरफ जाएंगे, तो ये रहा चार, एक हो गया ग्रुप। उसके बाद यहाँ पर 2 ही हैं, 4 होने चाहिए से, कमी हो रही है कितनों की, 2 की, तो 2 की कमी किससे पूरा करेंगे, 0 से, 2 0 लगा दिए, होगी कमी पूरी, आसान है ना, जब भी कमी हो तो किसको लगाओ, 0 को। ठीक है, तो अब बन गए ग्रुप हमारे। तो अब क्या करना है, अब देखना टेबल में कि इनका कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या होगी। तो 0011 इसकी वैल्यू क्या है, 0011 ये है 3, तो ये है 3। फिर 1011, तो 1011 की वैल्यू है बी, ये है बी। फिर 1111 है एफ, एफ
फिर है पॉइंट, फिर है 0101। तो भाई 0101 कहाँ गया, 0101 है 5 5, और उसके बाद 1100 1100 है सी सी, ठीक है। तो 3BF.5C(16), ये है हमारा फाइनल आंसर हेक्साडेसिमल में, इसका कन्वर्जन ये है। समझ में आ रहा है ना, आसान है ना, बढ़िया है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अब दूंगा 5 क्वेश्चन, तो उनको ईमानदारी से कर लेना ट्राई, ठीक है, और करके सॉल्व कर लोगे मुझे कमेंट में बता देना। अगली वीडियो लेकर आऊँगा उसमें आपको सोल्यूशन दे दूंगा उन सब क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन नोट करो फटाफट। तो ये रहे 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बाइनरी मिक्स नंबर के, इनको आपको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो कॉपी करो इन 5 क्वेश्चन को, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसी लगी है। वीडियो बढ़िया लगी है तो मुझे कमेंट करके बताना बढ़िया लगी है या मज़ा आ गया, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था, अगली वीडियो में मिलूंगा आपसे इन क्वेश्चन के सोल्यूशन के साथ। हमने इस वीडियो में बहुत कुछ सीखा, हमने बाइनरी को कैसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं उसके तीनों टाइप देख लिए, देखा कि बाइनरी इंटीजर को कैसे कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में, बाइनरी फ्रैक्शन को कैसे करते हैं कन्वर्ट हेक्साडेसिमल में, बाइनरी मिक्स नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं हेक्साडेसिमल में। आपको ट्रिक बताई मैंने टेबल कैसे बनाना है, ठीक है। ये ट्रिक उम्मीद है मुझे कि टीचर बिल्कुल नहीं बताते अपने स्टूडेंट को, स्कूल वाले टीचर, ठीक है। और हमने 15 क्वेश्चन भी कवर करे यहाँ पर प्रैक्टिस क्वेश्चन, तो अगली वीडियो में उन 15 प्रैक्टिस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन की वीडियो बना करके दे दूंगा उन क्वेश्चन के आंसर। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।